मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारी प्राथमिकता बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने को लेकर है। संतोष इस बात का है कि इतनी बड़ी आपदा के बाद भी किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। सरकार का कहना है कारम बांध टूटने के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब तक ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई की गई है, आगे कानूनी कार्रवाई कर दोषियों को जेल भेजा जाएगा। सर्वे के बाद लोगों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। भारी बारिश के हालातों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, इतनी बड़ी आपदा के बाद किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, यह संतोष की बात है। हमारी प्राथमिकता प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने को लेकर है। सब गांव से जब पानी घुस सकता था लोगों को हमने बाहर निकाल लिया है, और बाकी जगह भी अब स्थिति सामान्य की तरफ जाएगी। अब बाढ़ के बाद चंबल की बाढ़ पर हम नज़र रखे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारी SDRF, NDRF, होमगार्ड के जवान, पुलिस बल, प्रशासन, और उसके साथ साथ अभी हमने सेना के हेलीकॉप्टर भी रखे हुए हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम रेस्क्यू करेंगे, लेकिन बाकी जिलों में अभी स्थिति सामान्य हो रही है। अब हमारी चुनौती है नंबर एक, युद्ध स्तर पर सफाई करके सिर जो जमा है उसको हटाना, फिर दवाइयों का छिड़काव ताकि बीमारियां ना फैले, पेयजल की शुद्ध पेयजल की आपूर्ति बहाल करना, बिजली की बहाल करना, क्योंकि कई जगह ट्रांसफार्मर टूटे हुए थे, सब स्टेशनों में पानी भर गया था। बिजली, पानी, राहत के काम तब तक चलेंगे शिविरों में जब तक घर रहने के लायक नहीं हो जाते। कई घर गिरे हैं, कच्चे थे, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, तो तब तक उनके चाय, पानी, भोजन, रहने का इंतजाम, और उसके बाद फिर सड़कें, पुल, पुलिया कितनी टूटी है उसका आकलन, मेडिकल चेकअप के लिए अलग अलग जगह शिविर लगाना, और उसके बाद फिर हम सर्वे का काम, फसलों का भी सर्वे करेंगे और घरों का भी सर्वे करेंगे, घर में रखे सामान का भी सर्वे करेंगे और जनता को राहत की राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एम्स पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल का हालचाल जाना। एम्स के डॉक्टरों से मुख्यमंत्री ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की। कोरोना संक्रमण के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल एम्स में एडमिट हुए थे। ये बताते हुए प्रसन्नता है, डॉक्टर अजय सिंह जी यहाँ पे हैं, बहुत बेहतर उनका इलाज हो रहा है, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, अपनी आईडी ऊपर सारे इन्वेस्टिगेशन किए हैं, स्थिति बहुत अच्छी है और केवल स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं डॉक्टरों की सलाह पे। एम्स में उनका बहुत बेहतर इलाज किया, इसलिए मैं एम्स को भी हृदय से धन्यवाद। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।